मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोन सक्सेस हो गया, सो गुड लक। तो यहाँ पर हम रखेंगे, तो यहाँ पर आप दिखाइए, वहां पर सॉरी के जैसे मैंने यहाँ पर रखा, आपको ये जो फ्रिक्वेंसी दिखाई दे रही है तो ये आपकी ओके है। नीचे वाले कॉल पर रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है, आप देख सकते हैं मेरे पास एक फोन है, दिखाइए यहाँ पर। ये सैमसंग का A14 5G मॉडल है। ये मेरे पास दो साइड में आया है और आप देख सकते हैं एक का CPU उतरा हुआ है। CPU यहाँ से वो बता रहे हैं कि CPU लगा रहे हैं तो बार बार शॉर्ट हो रहा है, ऑब्वियसली कि उन्होंने CPU डैमेज कर दिया है। ये आप देख सकते हैं ये इनका CPU है, ये देखिए। अब दोस्तों CPU अगर शॉर्ट हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो फिर CPU ही चेंज होगा, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम CPU पर ये देख लेते हैं कि अगर ऊपर से ड्रिल करके कि अगर कोई कैपेसिटर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो CPU चेंज होगा। दूसरा एक और CC के साथ एक और उन्होंने PCB भेजा, एक्चुअली उन्होंने दो PCB भेजी है और ये PCB भी आपका डेड है, तो अपन इस PCB पे काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये एम्पियर कितने ले रहा है। इधर आइए, देखिए यहाँ पे हमने इसका टैक्सी लगाया तो आप देखिए यहाँ पर 0.10, ठीक है, 0.10 ये एम्पियर ले रहा है और फोन में कुछ भी नहीं है। 0.10 में क्या ही होगा, और सैमसंग अपना जो लोगो बनाता है चार्जिंग का, वो लोगो भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, तो ये हटाने के बाद भी देखो तो वहाँ पे 0.10 है, मतलब बैटरी लगाओ या बैटरी नहीं लगाओ तो भी 0.10 ही है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, डायग्नोस करें, मैं बताना चाहूँगा कि इसका कोई भी डायग्राम नहीं है, कोई बिटमैप में भी इसके मॉडल का कुछ भी नहीं है। तो बोर्नियो के अंदर अगर आप ये सोचेंगे कि ये सेट आप बना लें तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वो सेट वही बना पाएंगे जिनको नॉलेज होगा और जो भूल चुके हैं, समझते हैं, जो ये समझते हैं कि मुझे डैड फोन कैसे बनाना है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप एसर टेलीकॉम को जरूर ज्वाइन करो। इस महीने की हमारी बैच 25 को एडमिशन ले लो और 28 को हमारी बैच को ज्वाइन करो, और गारंटी के साथ एक इंडिया का एक पहला मात्र ऐसा इंस्टीट्यूट जो प्रैक्टिकल करवाएगा आपसे, जो आपके सामने बैठकर आपके सारे सेट बना के आपको घर नहीं भेजेगा, प्रैक्टिकल बेस्ड, जिसमें आप अपने CPU से इतने तगड़े हो जाओगे कि आप मार्केट में आपका एक अलग लेवल पे नाम होगा, ठीक है। और हम क्या क्या अपने कोर्स में देते हैं, हमारे कोर्स में हमारे एंड्रॉयड के साथ आईफोन का कोर्स बिल्कुल फ्री है, जो कि आपको 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली दिया जाएगा, प्लस 5G अपडेटेड कोर्स दिया जाएगा, प्लस लाइफ टाइम का सपोर्ट, रहना खाना वर्किंग सब कुछ फ्री, सिर्फ एक फीस, वो भी सबसे कम अगर देखा जाए तो, क्योंकि एवरेजली हम सबसे ज्यादा घंटे पढ़ाते हैं और आपका ज्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे दो महीने या तीन महीने या 50 या 60 दिन रखकर आपको, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस बोर्ड में काम क्या हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीमीटर, किसी भी बोर्ड में काम करने से पहले उस बोर्ड में हम देख लेते हैं। सो आप देखो तो यहाँ पर कोई भी IC डैमेज नहीं है, कहीं से भी कोई वाटर डैमेज के कोई निशान नहीं है, ठीक है, बोर्ड वाटर डैमेज नहीं है। यहाँ पे सैमसंग का CPU लगा है, ये MMC है इसकी, UFS MMC, या आप यहाँ पर यहाँ से देख के हम इसको बता सकते हैं कि इसमें UFS लगा है कि MMC यहाँ पर यूज की गई है, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो उसके अलावा यहाँ पर इसका SMIC है जो कि DC-to-DC सप्लाई देता है इसको, और इसके अलावा यहाँ पर इसके PFO लगे हुए हैं। ये एक 5G हैंडसेट है, और अब देखो तो इस हैंडसेट में आपको पहली बार ऐसा होगा कि जो इतने बड़े बक कॉयल होते हैं उसकी जगह पे छोटे छोटे बक कॉयलों को यूज किया गया है। अभी हम सबसे पहले इसी को देखेंगे। इस फोन के अंदर हमने पहले चेक कर लिया है, शॉर्टिंग कहीं भी नहीं है, तो हम ज्यादा इसको वीडियो को नहीं खींचते हुए हम सीधे इस फोन पे हमने अब कनेक्टर लगाया है, और इस पे हम सबसे पहले इस पे प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज देखेंगे कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, चार्जर इंसर्ट करेंगे, ठीक है, हमने चार्जर लगा दिया। अब हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो SMIC है वो हमारी एक BPH बना रहा है कि नहीं बना रहा है। नोटिस करो ये ऑटो शॉर्ट या ऑटो रीडिंग किसी भी तरह से ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप देखो तो यहाँ पे 3.5 आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा BPH बना रहा है। सो ये हमारा BPH जो बन रहा है, हम इसको ये चार्जर ये बैटरी हटा के चेक कर रहे हैं, मतलब हमारी चार्जिंग IC बिल्कुल ओके है और ये हमारे स्विचिंग कर रही है। अब इसके बाद में हम इसके सारे कॉयलों को चेक करेंगे। नोटिस करो तो ये देखिए इस कॉयल पे आप देखिए एक हायर LDO बन रहा है, इस कॉयल पे देखिए तो लोअर LDO बन रहा है,
इस कॉइल पे देखेंगे तो एक बक बन रहा है, इस कॉइल पे हम देखेंगे तो ये भी एक बक बन रहा है, ये भी एक कोर बक है, ये सारे जो सीपीयू के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। ये देखिए बक बन रहा है, ये देखिए बक बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रैम की सप्लाई का वोल्टेज है बेसिकली 1.1, और ये भी आपका बक बन रहा है और ये भी आपका बक बन रहा है। अब हम डीएसओ से चेक करेंगे हमारी पावर आईसी। सो आप देखो यहाँ पर डीएसओ यहाँ पर दिखाइए, तो ये जो डीएसओ है इससे हम अपनी बक कॉलों को चेक करेंगे। तो नोटिस करो, देखो पहले मैं देखो मैं कहाँ लगाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इधर दिखाइए, डीएसओ का एक सिरा मैंने इस आरएफ केबल में लगा देता हूँ माइनस के लिए। अब मैं अपने सारे बक पॉइंट पर रखूंगा, देखिए उधर, तो यहाँ पर हम रखेंगे, तो यहाँ पर अब दिखाइए वहां पर। सो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर रखा, आपको ये जो फ्रिक्वेंसी दिखाई दे रही है तो ये आपकी ओके है। नीचे वाले कॉइल पर रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको फ्रिक्वेंसी दिखाई दे रही है, ये भी ओके है। इसके बाद देखिए इधर दिखाइए, यहाँ पर मैं आपको ये डीएसओ साथ में दिखाता हूँ ताकि आपको दोनों चीज मिले। अब आप देखिए, ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए, तो ये आपकी, हमें ये चेक करना है, ये भी हमारी फ्रिक्वेंसी ओके है, ये भी फ्रिक्वेंसी ओके है, ये भी हमारी फ्रिक्वेंसी ओके है, ये फ्रिक्वेंसी भी हमारी ओके है, ये फ्रिक्वेंसी भी ओके है हमारी, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, और ये भी ओके है। सो ले देखिए फ्रिक्वेंसी तो सारी ओके है हमारी, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फोन का हम पोर्ट चेक करेंगे, क्या ये फोन किसी प्रकार का पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। हालांकि सैमसंग है डाउनलोड मोड पे जाता है, बट अगर मान लो ये ऑटो पोर्ट बना है, क्योंकि इसका रैम का कोई सीन हो सकता है, सीपीयू का कोई सीन हो सकता है, या इसका एमएमसी या इसका यूएफएस का कोई सीन हो सकता है, तो हम ये चेक करेंगे ये कोई पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये किसी भी प्रकार का कोई पोर्ट नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल हम इसका सीपीयू उठाएंगे और रिवॉल्व करके लगाएंगे और एक बार चेक करेंगे कि हमारा देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा रहा है। सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में, 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस हैं कि सब कुछ एक बार में पढ़ने के बाद में आप कुछ भी आपके दिमाग में आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि जब तक आप उसको है ना खुद प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, आपको कुछ भी नहीं बनने वाला। आप तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट को है ना एक फिल्म के जैसे देखकर आ जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला क्या हुआ। 98% अभी के जितने भी इंस्टीट्यूट है जितने सबसे ज्यादा व्यू आ रहे हैं, उनके स्टूडेंट आउटपुट नहीं है उनके स्टूडेंट का, मतलब टीचर का तो कितने भी फोन बना ले पर स्टूडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं, यही रीजन है। और इसे टेलीकॉम में स्टूडेंट के बेसिकली आउटपुट है, स्टूडेंट इतना आउटपुट है कि वो साला यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोलकर बैठ रहा है और दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है। जो एक्चुअल में कहते हैं ना लाखों कमाओ, तो वो इसे टेलीकॉम के साथ में हो रहा है। खैर, आप बेचक इसे टेलीकॉम आओ और एक सेकेंड के लिए भी मत सोचना कि यहाँ पे आप प्रैक्टिकल काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जितना प्रैक्टिकल मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में दावा करता हूँ कहीं नहीं मिल पाएगा। अब मैं अपने वॉइस को म्यूट कर रहा हूँ, जो भी आप काम इसको प्रैक्टिकल चाहिए।
ज्यादातर क्या होता है ना, स्टूडेंट है ना कम फीस के चक्कर में, क्योंकि इनका बजट कम रहता है, ये सोचते हैं कि नहीं यार कम फीस के। देखो दोस्तों, एसर टेलीकॉम की फीस बहुत कम है, क्योंकि हमारी फीस में रहना खाना सब कुछ फ्री है, वर्किंग बोर्ड, इवन हम अपने आईफोन का कोर्स भी अब एंड्रॉइड के साथ में फ्री दे रहे हैं, और 5G का अपडेटेड कोर्स भी दे रहे हैं, जो कि कोई दूसरे वाला इंस्टीट्यूट तो सोच ही नहीं सकता है। दूसरा, इतना सब कुछ के बाद भी हमें एक दो साल बाद पढ़ाने के लिए तैयार है, बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं, और उन बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं जो आप देखो कि बहुत इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि थोड़ा भी आप बदतमीजी से बात कर लो तो इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, उनको तो दरकिनार कर देते हैं, पर हम तभी भी स्टूडेंट को समझते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट गलती से या किसी गलत उसमें आकर या कहीं से लड़ के अगर हमें कोई गलत भी बोल देता है तो भी हम स्टूडेंट को साथ देते हैं और उसके बाद भी स्टूडेंट को लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, हमें ना एटीट्यूड पे काम नहीं करते हम, बस ये है कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, और जो भी हमारे साथ काम करता है हम उसकी ज़िंदगी बनाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगला बैच पढ़ाना नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले जो स्टूडेंट आ रहा है उसकी लाइफ बनाना है, और हमारा कंटेन ही ऐसा है जो टीचर बनाने का, इसलिए हम वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं। 90% आप इंस्टीट्यूट में बैठे होगे तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिया होगा, और हमारे यहाँ तो आप पूरे कंटेंट को वीडियो रिकॉर्ड करके जा सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो आप 100% कभी नहीं ले जा सकते। और अगर आप किसी स्कीमेटिक को रीड करना चाहते हो खाली, और चाहते हो कि बस मुझे सारे स्कीमेटिक रीड करना आ जाए, तो भी आप एक बार में सब कुछ नहीं ले जा पाओगे, आपके मन में इतने डाउट हो जाएंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करने बैठोगे ना तब आपको कुछ भी नहीं बनेगा। सच बता, मेरा थिनर खाली हो चुका है, तो हमें सरफेस को है ना जीरो करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा सरफेस जीरो नहीं होगा ना तो हम कभी भी आईसी को सही से लगा नहीं पाएंगे। अभी हमारे चैनल में दोस्तों आप इसको फॉलो जरूर कर लेना अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, प्रैक्टिकली वीडियो हम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे यहाँ पर डालने वाले हैं, फ्लैशिंग हो गए, अनलॉकिंग हो गए, ताकि अभी करंट में जो स्टूडेंट फ्रेशर हैं वो हमारे चैनल से लाभ उठा पाए, उसके लिए चैनल पर काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, और एक लाख सब्सक्राइबर भी हमारे होने वाले हैं, जो कि और एक पहला एक देश का इंस्टीट्यूट जो दूर यूट्यूब की ट्रॉफी लेकर बैठेगा एज अ इंस्टीट्यूट यूट्यूबर, क्योंकि दोस्तों मैंने अपना यूट्यूब कैरियर सबसे पहले चालू किया था इंडस्ट्री में, और इसे टेलीकॉम काफ़ी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है आपके गुरु का, क्योंकि अगर सिर्फ आईसी रिबोल और आईसी लगाना और एक गोल्डियो को पढ़ने की बात है तो आप तो कहीं भी जा सकते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ये बताइए, आप कहीं 20,000 रुपये भी दे रहे हैं और आपको आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपके वो 20,000 भी वेस्ट है, इससे अच्छा तो आप उनको कुछ दो ही नहीं तो ज्यादा अच्छा है। तो कम पैसों के चक्कर में जो स्टूडेंट रहते हैं ना वो अपना सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग करवाते हैं, ठीक है। दोस्तों
जो कम पैसों के चक्कर में, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि कम पैसे वाला कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए और उनको लगता है कि ये बहुत आसान है, सब पढ़ा देंगे। तो आपको है ना, आप पढ़ने के बाद भी जब काम नहीं करेंगे ना, तब आप रोएंगे, आपको पता चलेगा कि आपके साथ धोखा हो गया, अरे आप तो कुछ काम ही नहीं कर पा रहे, आप एक सीपीयू को निकाल के भी नहीं लगा पा रहे, तो समझ लो कि गेम पूरा बज गया आपका। अब हमें बोर्ड को चेक करना है, तो बोर्ड को हम चेक करेंगे। तो बोर्ड को चेक करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पूरे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये मेरा मल्टीमीटर है सरलॉक, हाँ भाई अमन त्यागी कैसे हैं आप सभी लोग, और आप अगर जिनकी बात कर रहे हैं अली, वो बहुत ही बढ़िया एक ऐसा टीचर हैं। अली हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं और अब दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका इंस्टीट्यूट है, वो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। और मैं आपको बात अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप अली के पास जा रहे हो तो भी आप बहुत अच्छा पढ़ लोगे, क्योंकि अली का कंसेप्ट ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी है। सो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप दिल्ली में हो तो आप पढ़ सकते हो। अली एक बहुत ही सभ्य बच्चा है और बहुत समझदार है। दूसरी बात, वो बहुत बहुत टैलेंटेड। मेरी अभी दो दिन पहले ही, शायद एक दिन पहले ही हमने अली से बात हुई थी। नहीं जलीली, क्या होता है ना कि थोड़े बहुत भी जो हमारे स्टूडेंट अगर इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं ना, तो वो इतने एटीट्यूड में आ जाते हैं कि वो कभी बात नहीं करते, सोचते हैं कि अब तो हम भी इंस्टीट्यूट वाले हो गए हैं, अब तो हमारे सर से कॉम्पिटिशन हो गया है। पर अली ऐसा कभी नहीं सोचता, वो आज भी मेरे को बात करता है और हमसे टिप्स लेते रहते हैं। बट और ऐसा नहीं है, गुरु गुरु होता है हमेशा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और ये बात अली बहुत अच्छे से जानता है, तो मैं ये बात के लिए अली को बहुत एडमायर करूँगा और मैं हमेशा जिंदगी भर अली का साथ दूंगा, नो प्रॉब्लम। दोस्तों मैं हमेशा उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता जो शुरू से मेरे साथ है। जलीली इस फील्ड में एक बुरी आदत है, आपने देखी होगी, अगर आपने किसी को दुकान में रखा होगा तो 4 महीने उसने आपके साथ बहुत अच्छे से, आपकी दुकान में है ना, इवन कौए की सीट भी साफ की होगी, अगर गलती से कौए ने टट्टी करके भी किया होगा ना, वो टट्टी भी साफ कर ली होगी। पर 4 महीने के बाद जब काम सीखने के बाद में ना, फिर वो आपसे है ना, आपसे चाय बुलवाता होगा कि ब्रदर तुम ले के आओ मेरे लिए चाय। मतलब आप ये सोचो कि ये ऐसे लोग होते हैं। पर एसर टेलीकॉम में आप देखो तो जो टीम पुरानी है, मिलन सर, दुर्गेश सर, एमडी सर, आज तलक नहीं बदले हैं, क्योंकि ये हमारी पिलर है, एसर टेलीकॉम का हिस्सा है, ये जानते हैं। तो आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर हमें 3.5 वोल्टेज मिल रहा है, आप नोटिस करो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और अभी मैं बक चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो ये मेरा हाई एलडीओ है, यहाँ पर देखो तो ये मेरा लोअर एलडीओ बन रहा है, यहाँ देखो तो ये मेरा बक बन रहा है, कोर बक बोलते हैं इसको, ये भी मेरा बक है। सैमसंग में सारे बनने चाहिए, एक भी नहीं रुकना चाहिए, और एक VDD 1.1 या 1.2 वोल्टेज भी मुझे देखने को मिलेगा। तो ये देखो ये 1.1 ये VDD मेरा ये मिल रहा है। 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास, यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से, फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से एडवांस।
अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4थे दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, न कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4थे दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो
और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। चलो, हमने यहाँ पर CPU रिबॉल कर लिया है और अब हम इसको वापस लगाते हैं, उसको चेक करते हैं। जो हमारे हिसाब से डायग्नोस है वो इसमें CPU रिबॉल है और इसमें और कोई डायग्नोस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक्सपीरियंस है और जो हमने स्टूडेंट को देते हैं, ठीक है। तो पहले आप देख रहे थे कि ये तकरीबन 10.10 एम्पियर ले रहा था, अब देखते हैं। तो पहले वहाँ आप नोटिस करो, तो जैसे हमने यहाँ लगाया तो देखो 0.50 0.20 एम्पियर ले रहा है ये, ठीक है। हम इसके साथ ये 1.8, अब यहाँ पे भी देखेंगे, इसके साथ हमारा डिस्प्ले भी आ गया है, नोटिस करो। तो ये 2 एम्पियर भी ले रहा है और साथ में हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है। तो और देखते हैं पूरा। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इसने हमें 2 सेट भेजे थे जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक का तो CPU शॉर्ट है, तो इसका CPU चेंज होगा, ठीक है। तो ये केस स्टडी हम अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर करेंगे क्लास में कि कैसे इसका CPU चेंज होता है। अगर आपको ये सीखना है तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके साथ बहुत कुछ आपको ऐसे डील को मिलेगा जो कि इंडिया के सबसे बड़े बिगेस्ट एक मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और अभी इसकी बैटरी बिल्कुल डाउन है, इस वजह से ये लोगों पे है अभी थोड़ा। जैसे इसकी बैटरी, आपको तो पता है सैमसंग में बैटरी डाउन होती है तो ये लोगों पर रहता है, या हमें इसकी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये अभी लोगों से हटके अपने चार्जिंग पे आ जाएगा और ऑन भी होगा। तो देखिए दोस्तों, ये फ़ोन हमारा चालू हो गया है और एम्पियर भी आप देखिए तो 1.9 2 एम्पियर पूरा ले रहा है। एम्पियर पर दिखाइए वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सैमसंग का लोगो आ गया है और इसका दूसरा बोर्ड में हम CPU चेंज करेंगे जो हम क्लास में लाइव बताएंगे बच्चों को। ये मिलन सर की क्लास में रहने वाला है कंटेन, तो मे बी हो सकता है कि अब ये सैमसंग पे लोगो पे स्टफ हो, अब इसको फ्लैश करने की ज़रूरत है। और हो सकता है फ्लैशिंग के टाइम पे डेड हुआ हो, उसके बाद में किसी टेक्नीशियन ने इसको छेड़छाड़ दिया हो और ये रीज़न है कि एक सॉफ्टवेयर से आया हुआ साइड एक हार्डवेयर में डेड हो जाता है। तो हम ये हमारे दुर्गेश सर की क्लास में लाइव देंगे ताकि ये उसको फ्लैश करके पूरा तरीके से उसको ऑन करें, और मे भी हो सकता है ये ऑन हो जाए। तो वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, यहाँ तक लिया हो, आई होप कि आपको समझ में आयो। थैंक यू वेरी मच। आपको मज़ा आएगा देखने में और आपको पता चलेगा कि सस्ता ही होता है और जो स्टेबल होता है वो ही गारंटी दे सकता है और वही सिखा सकता है। और एक टाइम फीस दूंगा, ज़िंदगी बनाऊंगा, सस्ते के चक्कर में रोऊंगा नहीं, ये बात आपको सीखना है। चिल्लाने वाली बात है क्या? बाकी में है या नहीं है? कौन कौन आउटपुट लेके जा रहा है? कौन कौन काम करने वाला है? थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील राज है और मैं JNK से। सो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोन सक्सेस हो गया। अगर आप मोबाइल टेक्नीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, न कि फोन टीचर से। फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से एडवांस। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो